घर में रखना है। थैंक यू। आप छोटा बेबी मांग रहे थे ना, ये ना छोटी माँ को मैं लेके आई थी, पटाखे नींबू पानी। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, सेकंड दुर्घटना इन सेम डे। हम लोग उठ चुके हैं और अभी मैं और दी जाएंगे, पहले हमें क्लिनिक जाना है और क्योंकि आज हमारा लेजर का सीटिंग है, उसके बाद हम मुझे सैलून जाना है, फिर मैं आऊँगी और फिर हम लोग वीडियोज़ बनाएंगे और फिर क्योंकि कल तो मैं निकल रही हूँ एंड मैंने अपनी टिकट आगे करवा ली, इसलिए मैं बहुत ग्रीन कलर का चाहिए। नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ये देखो इसने क्या करा, इसको अखरोट खाने को दिए थे माने, उसमें पूरा पाउडर। तेरी रुक राजा, ये क्या है, ये कौन सी बदतमीजी है, इसको छोड़ दे, अब फेंक दूं इसको, पाउडर इसके साथ खाएगा क्या, फ्लेवर है ये है। क्या है फेबल। छोटी माँ देख लो इसके काम। हाँ। कहाँ से सीखा ये सब आपने? उधर से। उधर से। अभी नया सॉन्ग सुनाएंगे, चलो ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। सुनो गौर से, पप्पी बोलो, बुरी नजर ना डीप करो, सबसे आगे होंगे नींबू पानी। ये नींबू पानी समझे, इसका मतलब कोई नहीं समझा होगा, आप बताओ। वो सुनो गौर से पेप्सी वालो, बुरी नजर ना ड्यू पे डालो, सबसे आगे होगा नींबू पानी। पानी तुम भी पियो। एक बार फिर से सुनो गौर से, पापी बोलो, बुरी नजर ना कीप डालो, सबसे आगे होंगे नींबू पानी। ये सेकंड दुर्घटना इन सेम डे। ये देखो मेरी लिपस्टिक लेके क्या करा आपने, दिखाओ इधर सबको, दिखाओ कहाँ लगाई लिपस्टिक का। ये आपके काम अच्छे हैं, अब बार दीवार पे भी लिपस्टिक लगा के आ गए, मुंह पे भी लगा लिया, आपके चाटा लगा दूं? नहीं। क्यों? बर्थडे है। आज बर्थडे है तो चट नहीं लगा सकते? नहीं। कब लगाना है? दो दिन में लगाऊं? ठीक है, कैसे लगता है चाटा? फेस वॉश करूं इधर आ। अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, मतलब रेडी तो नहीं हुई हूँ, मैंने ब्लाउज पहन लिया है, आज मैं लगाने वाली हूँ साड़ी क्योंकि मैं और दी घर पे हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम क्या करें, तो इसलिए मैंने सोचा आज हम लोग वीडियो बना लेते हैं, तो इसलिए मैंने पहनी है साड़ी, दी भी पहनी है साड़ी। अभी मैंने मेकअप नहीं ढंग से किया, वो करूँगी, बाल करूँगी ठीक, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मेरा ना ये वाला इयर रिंग्स मैंने अभी निकाला ना, मैं ये पहनने को सोच रही थी तो ये नीचे से टूट गया था, तो मैंने सोचा इनको जोड़ूँ, तो जोड़ने की बजाय मैंने दूसरा भी तोड़ दिया कि ठीक है ना, जुड़ नहीं रहा तो एटलीस्ट पहनने लायक तो बन जाए। देखा मैं कितनी तेज हूँ। हमने सोचा था हम लोग वीडियोस बनाएंगे लेकिन गर्मी से हाल खराब हो चुका, मैं लिटरली मतलब एक वीडियो बनी है हम लोगों की, दो दिन फोटो खींची और हालत खराब है, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमें डॉक्टर के पास भी जाना है एक बार, क्योंकि आज मैं ले रही हूँ हाइड्रा फेशियल और दीदी के आज हेयर रिमूवल की सीटिंग है, तो अभी सोचा बस ये वीडियो बना के हम चले फिर आगे देखेंगे, है ना, वेदर थोड़ा सही भी हो जाएगा क्योंकि घबराहट सी हो रही है, मन भी नहीं कर रहा मेरा तो कुछ बनाने को। छोटी माँ को मैं लेके आई थी, पटाखे आने देख, लेकिन फायदा होगा दो तीन सीटिंग में आपको, मतलब पहले एक साइड से तो बिल्कुल ही खत्म हो गए, बार बार वैक्स कराओ वैक्स, जैसे आप यही आपको थ्रेड से निकालने पड़ते हैं, मुझे बार बार वैक्स कराओ वैक्स कराओ। तो अभी हमारा फर्स्ट स्टेप हो रहा है कौन सी इंजिन का, जिसमें वैक्यूम क्लीनर जैसा हम होता है, लाइक ये आप इस डस्ट को वाइल्ड फूड्स को सब करते हैं, उससे आपके व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स क्लियर हो जाते हैं, डस्ट क्लियर हो जाता है। स्टार्ट करूँगी।
सेकंड स्टेप आ रहा है रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये स्किन टाइटनिंग लिफ्टिंग में हेल्प करता है, डेड सेल्स को एक्टिव करने में हेल्प करता है। आपको जस्ट ठीक फील होगी ना, इफ इट्स नॉट टॉलरेबल प्लीज लेट मी नो। अभी हमने स्किन पे स्किन ब्राइटनिंग जेल अप्लाई किया है, ये ऑक्सीजनो कैप्सूल है, ये इस जेल के साथ डिजोल्व होना स्टार्ट होगा और आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन जनरेट करना स्टार्ट करेगी, जिससे नेचुरली ग्लो आना स्टार्ट होगा फेस पे। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग। फेस पे तो कुछ अप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन अपनी जो आई क्रीम है वो भी कल ही अप्लाई करूँ। वो भी कल, ठीक है। प्री ब्राइडल कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, डेकोरेशन भी डन है उसकी। 3 महीने पहले से ही आपको ट्रीटमेंट देना शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट मंथ लेज़र हेयर रिमूवल है, लेज़र स्किन टोनिंग है, कार्बन फेशियल है, हाइड्रा फेशियल है, स्किन पॉलिशिंग है, बहुत कुछ है इसमें। पूरी चमक जाएगी ब्राइडल अगर 3 महीने के सारे उन्होंने ले लिए। हमने पैकेज भी उसी अकॉर्डिंग बनाए हैं कि इनकी स्किन की जो भी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग जैसे खुशी जी अपने नए वेंचर के लिए मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम इनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। और खुशी जी की तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां भी, और जीवन में बहुत तरक्की करें। खैर, हम आपसे मिलते भी रहेंगे फ्यूचर में भी, ये नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने जहाँ पे आपने शिफ्ट होना है तो वहाँ ये स्थापित करें। पक्का, हम इस बार सोच भी रहे थे कि गणेश जी लाएं, लेकिन हम लोग लेट हो गए, तो सिर्फ प्रिंसिपल जी लाए, हम नेक्स्ट टाइम लेके भी आएंगे। तो ये मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस। थैंक यू, अपने नए घर में रखना है। थैंक यू। तो विवेक बोल रहे थे, विवेक का मन था कि इस बार हम गणेश जी अपने घर लेके आए, अपने फ्लैट पे लेके आए मुंबई, बट हम लोग लेट हो गए, तो लेकिन वो कहते ना कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते, तो भगवान जाने का तो हमें मिल गए, तो मैं इनको अपने साथ ही लेके जाऊँ। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले आते यही चीज दिखाई दी है, आपने दीदी को हेलो बोला? आप बहुत क्यूट हो। बोलो थैंक यू। आज बर्थडे है। आज बर्थडे है। सनस्क्रीन एक ऐसी चीज है कि जो हम बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि फेस पे जितनी भी रिंकल्स पड़ते हैं या पिगमेंटेशन आती है वो सनलाइट से ही आती है। आंटी जी के फ्लैट में आए थे, आंटी को आप लोगों ने हमारे ब्लॉग में देखा होगा, आंटी ने मुझे स्पेशल बोला था मिलने आना है, विवेक को मैं बताना भूल गई, तो हम मिलने आए हैं क्योंकि इनका था कि मुंबई जाने से पहले एक बार मिले। अब आपको अंधेरी आना तो मेरे पास आना, पक्का आऊंगी, पक्का 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 पक्का। आंटी ने बहुत बहुत खाना खिलाया जब हम बगल वाले फ्लैट में रहते थे। मैंने उस दिन पता दाल बनाई थी, मैंने बहुत याद किया तुम अंकल। बाय अंकल जी। ओके मिलते हैं, चलो। अंश के पापा ने भी हमें मिलने के लिए बुलाया था और मैं लेट हो गई। आई एम सॉरी टीचर। भैया के लास्ट के 2 फोन मैंने उठाए नहीं, मैं कहा जाती हूँ नीचे। अभी जो लास्ट वाला फोन था ना मेरा, तब मैं लिफ्ट में थी। मैं आंटी बोल रही राजा को लेके आई, मैं कहा राजा का एक ही फ्लैट में मन लगता है वो है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं तो खेलता रहता है। आप छोटा बेबी मांग रहे थे ना, ये रहा। वेलकम। अभी हम भैया औरों के घर से भी आ गए हैं और उन्होंने बोला था गोभी बनाइए, खाना खा लो, तो मैंने कहा नहीं, अरे यार मेरे से गलती से सारे बटन दब गए, पापा आई एम सो सॉरी। तो मैंने कहा था कि नहीं नहीं खाना नहीं है, फिर मैंने सोचा यार मेरी फेवरेट गोभी पैक ही करवा लेती हूँ, हाँ। रोटी घर जाकर खाएंगे क्योंकि अभी भूख नहीं है, मन तो वैसे बहुत लगी थी। होगी थी ये मंगती, जाने से पता चला गोभी बनी है, लाओ तेरे तो गोभी तो गोभी इसकी। सो माँ सर्चिंग पे है, मेरे लिए एक बॉक्स ढूंढ रही है छोटा, ये हमारे बंदे, इनकी थोड़ी आवाज कम कर दो कैसे, हमारे बंदे थोड़ी आवाज कम कर दो, हमें इनसे जीतना है व्लॉगिंग में। हाँ
हाँ माँ, तो माँ मुझे बॉक्स इसलिए दे रही है क्योंकि मैं पंजाब से बहुत सारे अपने चावल भुनवा के लाई थी और मक्की के दाने और चने लेके आई थी, लेकिन इनको ना मुझे फ्लाइट में भी खाना है तो फ्लाइट में मैं निकाल के बॉक्स में रख ली हूँ। ये देखो कितने सॉरी है, आपके लिए चने लाई हूँ, आपको चने देती हूँ, ठीक है, वेलकम। तो राजा के लिए थे चने, ये चने वैसे मैं लेके आई हूँ जो हम चावल भुनवा के लाए हैं, उसमें मिक्स करके खाने में बहुत अच्छा लगता है, जब मैं मिक्स करूंगी ना तो मैं बताऊंगी। और ये चने लो राजा, हाँ करो, चने लाई हूँ, उसके बाद में लड्डू भी लाई थी, ये सब ना पंजाब में मिलता है, मतलब यहाँ पे कहीं मिलता ही नहीं है, मतलब पंजाब में ना पट्टियां लगी हैं भूनने के लिए। ये तो मैंने मांगी भी नहीं थी, ये क्या थे, गिरी मूंगफली की, खत्म नहीं होने के, मैं सारे अपने साथ मुंबई लेके जा रही हूँ ये सामान, तो चले डड्डे रख लेती हूँ, मिक्स करके चने रख लेती हूँ, थोड़ी गिरी रख लेती हूँ, यस हाँ जी। पर मुझे पापा और माँ को, छोटी माँ को, माँ को सबको खिलाने, इसलिए मैं खोल रहती हूँ, उसमें मैं इनको चने मिक्स करके देती हूँ, फिर देखना कितना अच्छा लगा। यार एक चीज तो बताओ, यार आज मोटी क्यों लग रही हूँ, ये मेरा मुंह ऐसे मोटा लग रहा है, मैं गाइस सबको चने खिलाती हूँ, माँ एक कटोरी दे दो मुझे, हाँ ये खुले ही हुए हैं माँ, ये इसमें चावल डाल दिए मैंने, चावल और चावल में डाल दिए हम चने, एक मुट्ठी चने, अब इनको कर देते अच्छे से मिक्स। गाइस एक बार टेस्ट करके बताओ, मिक्स से खाओ, रुको अब भी लो, ये नुकसान नहीं करते हैं, पहली बात तो कोई तले भुने नहीं है, ये तो मना करता है, खा के बता कैसे लगे, मिक्स करके खाना, मतलब थोड़े चावल थोड़े चने ले, पहले थोड़े लेना अगर तुझे, बम्बई जा रहा है कुछ संदेश देना चाहोगे, बम्बई से आया मेरा यार, कैसा लग रहा था तुझे कल, ये पूरा एक्साइटेड है, इसने मुझे कम से कम 70 कपड़े उस दिन से दिखा दिए जिस दिन टिकट है, भाभी मेरी एयरपोर्ट लुक ये रखू ये रखू वो रखू, पूरा एक्साइटेड है, जो खा रहे उसका रिव्यू दे दो कैसा लग रहा है, अच्छा टाइम पास है, पेट में दर्द मत बता दिए, प्लेन में बैठ के लेकिन नीचे खा के, नहीं नहीं कह दिया पापा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं वापस आ रही, ऐसा नहीं होता, जहाज में खाएगी ना बैठ के, तू इसके फोटो भेज दिए उसके बाद मुझे, नहीं पापा जी ये गर्मी से अंदर पटाखे भेज रहे हैं, पॉपकॉर्न बन गए, तू फोटो खींच के भेज दिए मुझे, पक्का मुझे तेरे को भेजना है, इसकी गोद था और यहाँ जहाज के पैर, वो तो मैंने पहले कहा था जब मेरी गाड़ी में गिर जाते प्लेन में गिरेंगे, लेकिन मैं ध्यान रखूंगी, प्लेन हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है तो उसमें ना गिरे, इसलिए मैं अच्छे से पैक कर करके अपना सारे सामान लेके जा रही हूँ, अच्छा मैं साइड में ना एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी विवेक को ना, मैंने उस दिन मैसेज किया जिन्होंने यहाँ से निकले, मैंने कहा अच्छा ठीक है और कुछ खा लेना गाड़ी में, कह रहे खाती तो तू है और रोने वाली इमोजी भेज रहे, मेरा दिल नहीं करेगा। लड्डू हमारे तीन ही बच रहे थे तो मैंने टॉफी रख ली, हर कलर की दो दो टॉफी रखी है, एक सुबांशु की एक मेरी, जो भी लाना दो लाना, हाँ इसीलिए दो दो रखी, लड्डू मैं दो खाऊंगी तू एक खाएगा। ये राजा की बर्थडे बास्केट आई है रिलेटेड वाली फैशन विला की तरफ से, राजा ये क्या है, डम है, आपको क्या सुनो, मैं नहीं खोल रही इसको, मेरा है, पहले इसको मम्मा पीस दे दो, दे दो एक प्यार करो, हाँ लो, इसके अंदर क्या है, है और क्या है, और मत देखो आप जैम्स खाने हैं ना आपको, हमने जैम्स बोला था, आप जैम्स लो और चलते बनो, ठीक है, मैं आप लोगों का तगड़ा आशीर्वाद लेके जाना पड़ेगा सुबह मुझे, नहीं नहीं वैसे एक नई उसके साथ, जैसे हम दिल्ली आए थे आप लोग रोए थे ना जब हम दिल्ली आए थे, है ना मुझे अभी भी याद है, फिर धीरे धीरे आपको आदत पड़ गई थी ना, फिर तो आप आ ही नहीं रहे थे, रो रो के फिर हम रो रो के बुरे हाल हो गए, मम्मी तो रो रही थी पर मैं नहीं रोई, क्यों मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही थी ना, शादी पे भी नहीं रोई थी, शादी पे भी एक्साइटमेंट हो रही थी, जो चल रहा होता है ना मैं उसको सोच के थोड़ी पॉजिटिव हो जाती हूँ, खाने के मामले में आदतों के मामले में तू मेरे पे गया बेटा, गिराने के कटोरी लाऊं, जैम खाएगा ये,
ले एक मेरी। हमेशा की तरह यहाँ हमारी एडिटिंग चल रही है, सॉरी यहाँ हमारी मूवी चल रही है जो दीदी देख रही है। अब हम दूध पी के सीधा जाएंगे सुबांशु सोने, क्योंकि हमें सुबह कितने बजे जाना है, 8:30 बजे उठना है। नहीं नहीं हमें उठना है 8 बजे और 9:30 बजे तक हम घर से निकल जाएंगे, खाने पीने में चलने में कैब से जाएंगे, क्योंकि पापा सुबह उठा दो तुम लोग। नहीं पापा सुबह जाएंगे फॉलकन फ्लैट में हमारा सामान रखवाने, तो पापा जब तक आएंगे हमारी फ्लाइट का टाइम हो जाएगा, तो हम लोग जाएंगे सुबह कैब में मैं और सुबांशु। भाई साहब इतने एक्साइटेड तो छोटी माँ मैं और विवेक भी नहीं जितना ये लग रहा है। रात को 2 बजे अपना पजामा प्रेस कर रहा है सुबह पहनने के नाम का, सुबह नहीं कर सकता सुबह सोऊंगा मैं। अच्छा अब क्या जगराता करेगा, इसे पहन के सो रहा बस मैं उस सुबह उठ के चल रहा। और एक काम ना करे तू, तू कपड़े पहन के सो जा। वही तो कर रहा, ये पहन के तो सोऊंगा। हमारा सारा सामान मेरा पैक है, हम ये 4 अटैची लेके जा रहे हैं बस।